तो हेलो दोस्तों, कैसे वो आप सभी लोग, आशा करता हूँ कि ठीक होगे। तो आज वो मैं अपनी कोनी लेकर जिसमें हम करने जा रहे हैं, मेरा फ्रेंड था, वो कह रहा था मेरे को यही वीडियो बनाना नहीं आता, एक्सपोर्टिंग करना नहीं आता वगैरह वगैरह। तो मैं उसके लिए एक वीडियो बनाया है। तो आप भी देखो, अगर आपको भी अपना यूट्यूब चैनल बनाना है तो उसके लिए आपको वीडियो कैसे बनानी है वगैरह वगैरह। तो चलो फिर, अब आपको कोई भी वीडियो अगर करनी है ना, जैसे यहाँ ऑल पर हूँ, यहाँ फोटोग्राफ्स वगैरह वगैरह आ जाएगी। अगर आपको सिर्फ वीडियोस करनी है तो आप यहाँ से वीडियोस कर सकते हो। अगर आपको फ़ोटोज़ चाहिए तो आप फ़ोटोज़ ले सकते हो। अदर्स पर ये वगैरह, जैसे ये हो गया ये, तो मैं अभी आपको ऑल पर जाकर कोई एक वीडियो सिलेक्ट कौन सी करूँ, चलो एक फ़ोटो ही ले लेता हूँ। तो ठीक है, अब मैंने ये क्या हुआ, अब मैंने ये ले लिया इम्पोर्ट। तो अब यहाँ से आपको अगर ट्रिम करनी है तो आपको बस यहाँ जाना है, ऐसे यहाँ वहाँ आप कर सकते हो ट्रिम। अगर आपको बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हो, छोटी करनी है तो आप छोटी कर सकते हो। आप जैसे यहाँ म्यूज़िक भी डाल सकते हो कोई, अगर आपके पास कोई यूट्यूब से लेना है, यूट्यूब वाला है, कुछ भी आप ले सकते हो। तो उसके बाद यहाँ है इफ़ेक्ट, आपको कोई इफ़ेक्ट डालना है, जैसे ग्लिच हो गया, ब्रोकन स्क्रीन, ये। और एक्स्ट्रा ऑडियो में जाकर, मतलब कि यही है कि आपको कोई और वीडियो लेनी है, मतलब कि यही फेस कैम के लिए। तो अब तो रिकॉर्ड का ऑप्शन यहाँ आप अलाउ कर सकते हो, और उसके बाद इस बटन को क्लिक कर आप इसके ऊपर वॉइस ओवर भी दे सकते हो, जैसे ये देखो, ये ऐसे वॉइस ओवर भी आप दे सकते हो। अगर आपको डिलीट करना है तो यहाँ डिलीट का ऑप्शन। तो ये तो हो गया अपनी यही फिल्मोरा का। तो अब मैं आपको कैनन मास्टर वाला दिखाता हूँ। अब मैं कैनन मास्टर के अंदर आ गया हूँ, ये बस लोडिंग स्क्रीन है। और ये ऐसे ये मेरे को ऐड आ गई, ये मेरे को कैनन मास्टर ठीक लगता है अपनी वीडियो के लिए। ये क्रिएट, यहाँ आपको अगर कौन सा फ्रेम चाहिए, ये वाला 16.92, ये मेरे को फ्रेम्स का इतना नहीं पता, बस आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दो, इसको स्किप। तो बस आपको आपका ये खुल जाएगा यहाँ कैनन मास्टर का मेन। तो अब आपको यहाँ तो ऐसे ही आपको मीडिया आएगा, पर अगर सामने ऐसे ही खोलकर आपको ये ऐसा इंटरफेस आएगा, पर अगर नहीं आता है तो आप मीडिया पर जाओ, उसके बाद ये खुल जाएगा। अगर आपको कैमरा से लेना है कैमरा से ले लो, स्क्रीन रिकॉर्डर से लेना है स्क्रीन रिकॉर्डर से ले लो, ये वगैरह वगैरह फ़ोटोज। तो मैं अभी एक्सपोर्ट हुई हुई हैं ये सारी, एक्सपोर्ट वाली के अंदर आपको अगर कुछ और करना है तो आप वो भी कर सकते हो। ये मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ ये वाली, इसके अंदर लेयर्स पर जाकर, अगर आपको ये वही होता है मीडिया से लिया और इसके साथ कुछ साइड पर लगा दिया, चलो मैं ये ले लेता हूँ ऐसे ऐसे। फेस कैम के लिए मैं ये यूज़ करता हूँ अपनी, आपने पहले वीडियोस देखी होगी अगर आप रेगुलर फ़ैन हो तो मेरे सब्सक्राइबर्स। तो यहाँ से आप कुछ अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, इसको ऐसे ऐसे कर जो भी आपको करना है इस पर आप कर सकते हो। उसके बाद टेक्स्ट, आप ऐसे कुछ भी लिख सकते हो टेक्स्ट, उसके बाद आपको एडजस्ट भी कर सकते हो आपको कैसे अपना टेक्स्ट को रखना है, यहाँ राइट लेफ्ट कहीं भी रखना है तो आप रख सकते हो। यहाँ ये स्टाइल होता है कैसे लिखना है इसका, मैं ये वाला चूज़ कर लेता हूँ। फिर ट्रिम, ये अगर आपको यहाँ से ट्रिम करना है तो आप ट्रिम भी कर सकते हो, डबल हो गया ये ट्रिम। और लेयर्स पर जाकर एक स्टिकर्स भी हैं यहाँ, बहुत सारे स्टिकर्स, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप लगा सकते हो स्टिकर्स वगैरह। तो उसके बाद हाँ, आप यहाँ लेयर पर जाकर, यहाँ इफ़ेक्ट भी हैं थोड़े से, ये वाला इफ़ेक्ट भी आप लगा सकते हो बहुत सारे। तो आ जाते हैं ऑडियो पर, यहाँ से आप ऑडियो भी अपना रिकॉर्ड कर सकते हो, ये रिकॉर्ड ये वाला भी है और ये वाला, ये है ये ऑडियो भी, ये वाले भी सारे ऑडियो पर अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ कोई ऑडियो अगर आपको परचेज नहीं है ऐसे आपको अपनी वीडियो के लिए चाहिए तो यहाँ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। पर फिल्मोरा की ये बात है कि उसमें आपको रील का कैश देकर लेना पड़ेगा, तो इसलिए मैं कैनन मास्टर को यूज़ करता हूँ क्योंकि वो होता है। अरे हाँ, तो ये जब खुल जाएगा उसके बाद आप साइड पर ऐसे भी कर सकते हो, इसको आपने कहाँ रखना है एडिटिंग के टाइम, और इसको
कैसे बैक करते हैं, हाँ यहाँ से। तो उसके बाद अगर आपको इस क्लिप की, ये तो छोटी सी क्लिप है, पर अगर आपको ये वाला चूज़ कर कर आप यहाँ बैक या आगे आ सकते हो अगला। तो उसके बाद हमारे रिकॉर्ड का आता है, ये स्टार्ट के बटन को दबा कर आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो। जैसे ये वॉइस ओवर ही हो गया, तो ये वॉइस ओवर भी आप दे सकते हो अपना इस पर, तो आप मीडिया से वो भी ले सकते हो ऑडियो। आप अगर आपके पास कुछ है भी तो आप ले सकते हो ऑडियो, अगर आपके पास है ऑडियो पर जाकर आपकी ऑडियोज आ जाएंगी जो आपने लिए करा हुआ है, और ये इस ऑप्शन से सब कुछ बैक हो जाएगा जैसे पहले था। तो बस आज के लिए इतना, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल भी मत भूलना मेरी नई नई वीडियोज़ को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलने के लिए। तो बस आज के लिए इतना, बाय बाय।